चांसेस हैं? मोदी जी के हारने की संभावनाएं प्रबल हो चुकी हैं और इसी वजह से वो हमारे लोगों को आज दलितों के पैर के धोने लग गए, तो इसका मतलब जो है उनको डर हो गया। लेकिन आप वाराणसी से, आपने दो दिन पहले ये कहा था कि अगर एसपी बीएसपी से कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट वहाँ पे खड़ा होगा तो आप नहीं लड़ेंगे। मैंने ये कहा है कि अगर माननीय बहन जी या अखिलेश भाई या माननीय मुलायम सिंह यादव वहाँ लड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं लड़ते हैं तो फिर उसके बाद चंद्रशेखर वहाँ चुनाव लड़ेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लड़े और वो हरा दे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम तो मोदी को हराना चाहते हैं। तो अगर वो लड़ेंगे, आप नहीं लड़ेंगे? हाँ, नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल नहीं लड़ूंगा। जानना चाहते हैं कि कांग्रेस और भीम आर्मी का कोई संगठन बन सकता है? नहीं, अब कोई नहीं बनने वाला, हम बहुजन समाज के साथ खड़े, बहुजन समाज के साथ ही खड़े रहेंगे।